नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं बिन 24 न्यूज़। और इसे हम खड़े कनाल के ट्रामा सेंटर के बिल्कुल बाहर, और आपको बता दें कि हमारे साथ एक परिवार मौजूद है और वो यहाँ पर जो है धक्के खा रहा है काफ़ी समय से। और आपको बता दें कि इसके अंदर आप एक महिला को देख रहे हैं, उनके टांग पे उनकी हड्डी जो है टूट चुकी है और यहाँ पर उनको खून की जो है ज़रूरत है। लेकिन यहाँ अस्पताल के अंदर 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक जो है अस्पताल ने एडमिट जो है नहीं किया है, उनको खून चढ़ाना है। और यहाँ पर जो है परिवार धक्के खा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है डॉक्टर भी बाहर आए लेकिन किसी तरीके का इनको कोई आश्वासन नहीं दिया। लेकिन उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर पूरा क्या कहना है। कहाँ से हो आप, क्या नाम है आपका? मम्मी का नाम तो है कृष्णा, मैं इसकी लड़की हूँ। ठीक है, कहाँ से हैं? हम घरोंडा था, गए थे फरीदपुर थे। ठीक है। अच्छा, तो मम्मी में 5 ग्राम खून है, इसलिए इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में भेजे थे। कभी यहाँ भेजते हैं, कभी वहाँ भेजते हैं, कभी इस तरफ चक्कर कटवाया, कभी इस तरफ चक्कर कटवाया। अब बोलते हैं कोरोना की जांच करवाओ, कोरोना की जांच भी करवाए रखी है, कोरोना भी नहीं है। अच्छा, इसलिए इसका ना तो खून चढ़ेगा और ना इसका ऑपरेशन होगा, तो यह मरेगी। क्या करे फिर ऐसी सरकार का, और क्या करे ऐसे हॉस्पिटल का, सरकारी का, जो हमारी गरीबों की सुनाई नहीं होती कहीं पे। डॉक्टर बाहर अभी आए थे, डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर अभी बाहर आए थे, उन्होंने बोला भाई आप कोरोना वाले में पहले चेक करवा के आओ, कभी इसको कोरोना हो। अब कोरोना वाले में वहाँ जावा तो उन्होंने ये कोरोना वाले कहते हैं उस हॉस्पिटल में आ जाओ, कभी यहाँ चक्कर कभी वहाँ चक्कर। वैसे गए थे जी कर्पना चावला में भी। हम क्या बोले? वह बोले कम नहीं जानते, उसमें ले जाओ, इसमें कोरोना वाले आप वहाँ चले जाओ। अच्छा, और यहाँ खड़े कितनी देर हो गई है आपको? 2 घंटे जी, घंटा 2 घंटे सारे हो रहे और 2-2.5 घंटे हो रहे। आप तस्वीरों में देख लीजिए जो महिला है वो इस समय कैसे बैठी हुई है और यहाँ पर उनका किस चीज का टांग में क्या दिक्कत है उनको? टांग टूटी पड़ी है, बिल्कुल अलग है। और एडमिट नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, ना खून चढ़ा रहा, खून नहीं चढ़ा रहे। तो यहाँ पर जी डॉक्टर साहब, दुआ हॉस्पिटल गए थे पहले आप? अभी आप दुआ हॉस्पिटल से आए हो ना? दुआ हॉस्पिटल वाले ने भेजा, आपके पास पैसे नहीं थे, फिर आपको भेजा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। क्या आपने कोरोना की जांच करवाई इसकी? हाँ करवाई जी। दिखाओ रिपोर्ट का। हाँ तो आपने मार को दे, पहले हम कोरोना की जांच करवाएंगे उसके बाद ही तो इसको रखेंगे यहाँ। बिना कोरोना की जांच के तो सरकार का देश है कि पहले कोरोना की जांच करवाओ, और कोरोना की जांच हो रही है, आप करवाने गए नहीं अब तक, कब से खड़े और कब से 1 घंटे से आपने पर्ची नहीं बनवाई इसकी? मैं कब से कह रहा पर्ची? यहाँ पर परिवार है, उनका कहना है 2 घंटे से इंतजार। मैं भी 2 घंटे से इनको कह रहा हूँ, मैं अंदर इनका बंदा गया, उसका पर्ची बनवाना, उन्हें पर्ची नहीं बनवाई। मैंने कई बार कहा, फिर इनको बार 2 बार देखना, ये मिले नहीं, उधर कहीं खड़े थे, मैं देखना है कि मैंने कहा किधर है ये, इसको छोड़ के भाग गए थे। फिर इनको ढूंढा कि मरीज किसका है, आवाज लगाई किसका मरीज है, खून चढ़वाने के लिए आए हुए थे, खून नहीं चढ़वाने के लिए आए, ये दुआ में गए थे। इनको जो भी चोट है हमने इसको मना नहीं किया, मैं कहा पहले आप कोरोना की जांच करवा लीजिए और फिर हम इसको रख लेंगे। ये अब तक वही जाँच, ना तो पर्चे बनवा रहे और ना ये गए, कोरोना की जाँच अब तक नहीं करवाई। हमने क्या दिक्कत है, जाँच करवा लो, आ जाओ, क्योंकि और भी मरीज पड़े हैं। अब बुजुर्ग है, हाई रेंज की है, 100% खतरा है कोरोना का, अगर एक बार जांच करवा के आ जाएंगे हमें क्या दिक्कत है। ये अब तक गए नहीं, बस वैसे बोलने जा रहे हैं, क्यों नहीं गए? कोई ऐसी बात हुई है? अच्छा, नहीं जी कोई बात नहीं हुई है। जांच मैंने नहीं की। सुन सुन सुन, हमने करवा रखा कोरोना की जांच। ये तो आपने बाद में बोला कोरोना की, जब मेरे भाई अंदर गया तो तब भी मतलब सुन, नहीं तब अभी भी आपने ये बोला भाई आप उसमें ले जाओ। हाँ तो तेरे कागज में कल्पना चावला, सुन कल्पना लिखा, सुन कल्पना चावला में ले गए। उन्होंने कहा भैया कोरोना के मरीज पड़े, इन्हें तुमने खून चढ़वाना है, तुम उस हॉस्पिटल में ले जाओ, ठीक है? दोबारा भी भैया गया मेरा, तब भी कोई आप उन लोगों ने गौर नहीं करी। अब जैसे कोरोना के 800 रुपये में इसका कोरोना चेक हो रहा है, उसकी रिपोर्ट लेने के लिए गया है। अच्छा ठीक है, डॉक्टर ने वहाँ से भेजा, यहाँ भाई इसमें 5 ग्राम खून है, अगर बीच में इसका ऑपरेशन कर दिया तो आपकी मम्मी मर जाएगी, ठीक है? अब वो रिपोर्ट लेने के लिए गया है, साथ में वो रिपोर्ट नहीं थी, नहीं तो सारा डॉक्टर ने साथ में देके भेजा हुआ है। ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया आपने इसका? ऑपरेशन मतलब इसलिए सुन, ऑपरेशन इसलिए नहीं होया भाई, इसका कार्ड भी मनाया, आप गरीब आदमी हो, थोड़ी आपकी बचत हो जाएगी, जैसे ही इसका इसका आयुष्मान का कार्ड हाँ मना हुआ है। हाँ तो फिर आयुष्मान का कार्ड में वहाँ कहाँ जाना था आपने? कहाँ जाना था? कहीं भी जा सकते हो आप, आयुष्मान का कार्ड लेके कहीं भी इलाज करवा सकते हो इसका, जब आपका आयुष्मान का कार्ड बना हुआ है। तो जब उसने यही तो कहा था भाई आप इसका इलाज कहीं भी करवा सकते हो,
फिर तो उस डॉक्टर ने ये कहा था भाई ऊपर का खर्चा तो होगा थारा, इसका जो खून, इसका जो मतलब बुढ़िया का जो खून चढ़ गया और इसका तीसरे दिन में ऑपरेशन तो खुद कर दूंगा। कर देगा ना, सारा कुछ आम भर दिया, सारा कुछ कह दिया, फिर आप इसे यहाँ क्यों लेके? यहाँ तो खून चढ़ाने के लिए भेजे गई है। तो खून तो वो भी चढ़ा सकता था इसको, उसमें थोड़े नुए गरीब आदमी है। आपने क्या समय है यहाँ पर खून चढ़ाने का? मैंने सिर्फ इनको कुटने का, खून चढ़ाने का समय कुटने का, ओल्ड ले लिया। बता रहे थे 8-2 का टाइम, बता हमारा टाइम तो 8-2 का ही है, उसके बाद तो सिर्फ हम ट्रोमा देखते हैं। 8-2 की मिलती है सर आपको? मेरे को सर ड्यूटी की मिलती है, जो मैं ड्यूटी करता हूँ अपनी, 8-2 की सैलरी मिलती है। 8-2 की नहीं, हमारी तो रात के 12-12 बजे भी लगती है, 24 घंटे की ड्यूटी भी लगती है। हमारा टाइम ही ऐसा है, मेरे से थोड़ी 2 की है। अब मैं कर रहा हूँ सुबह 2 बजे तक, कोई कर गया 2-8 मैं करूंगा। ब्लड बैंक में बात हुई, ब्लड की भी कोई कमी नहीं है? अरे ब्लड बैंक के तो इनके पास कागज है ही, ब्लड तो चढ़ा रहे थे, जानबूझ के चढ़वा के आए वहाँ। नहीं, जब मैंने 2 घंटे से इनको सिर्फ ये लगा कोरोना की जाँच करवा लो, कोरोना की जाँच करवा के नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँ? अब मैं इस कोरोना के मरीज को अपने मरीजों के बीच में कैसे पढ़ा लूं? मान लो उसको हुआ, हमें हमारे पास कोई किट नहीं है, हमारे पास कुछ ग्लव्स नहीं है, हम कैसे पढ़ा सकते हैं बिना कोरोना की जांच के? अगर ये कोरोना की जांच करवा के ले आए इतनी देर से तो हमें दिक्कत क्या रहो? लेके आए हो? और इस पर्चे पे सत्यवान दिखाना क्या लगा, दिखाना क्या लगा क्या? ये देखना, पहले तो इसको रेफर टू कल्पना चावला किया हुआ है फॉर मेडिसिन डिपार्टमेंट के लिए, इनको जाना चाहिए था। कल्पना चावला में भी गए, वहाँ पर भी तो ये बात उनसे पूछो ना, उन्होंने क्यों नहीं लिया? स्पेशलिस्ट वहाँ है, मैं तो सिर्फ एक ट्रोमा का डॉक्टर हूँ, ट्रोमा के पेशेंट देख रहा हूँ, सिंपल मेडिकल का डॉक्टर, स्पेशलिस्ट के लिए भेज रखा था, ये क्यों नहीं गए वहाँ? वहाँ जाना चाहिए था ना इनको। फिर भी मैंने कहा रख लेंगे कोरोना की जाँच करवा लो, ये कोरोना की जाँच भी नहीं करवा रहे, वहाँ भी नहीं जा रहे। ऐसा कुछ नहीं बोला आपने, कुछ बोला ऐसा कुछ नहीं बोला आपने, लड़के को मेरा भाई गया, ऐसा कुछ नहीं बोला आपने। कल्पना चावला में खड़ी है क्या तू? यहाँ खड़ी है जीएच में, कल्पना में तो नहीं गई? अरे कल्पना में जाना भी चाहते, कोरोना वाले पड़े, कोई मरना है क्या? हमारा कोरोना है क्या? वहाँ से भी दोबारा भी आए गए? मैंने आपको पहले बोला कि ये कोरोना की जांच करवाओ, ऐसा कुछ नहीं होया, ऐसा कुछ नहीं होया, मेरे पास तो आई नहीं। और मैं उड़ाइए अपने भाई से पूछे पहले, लड़का ऐसी बात तो कुछ नहीं कहा इसने। लड़ने से कुछ आपका मरीज कब करूंगा? आप कोरोना की जांच करवा लो ना, बात खत्म। बोल आया है रिपोर्ट, कहाँ लिया रिपोर्ट? कोई रिपोर्ट नहीं है, झूठ बोलने से कुछ नहीं होने वाला, झूठ बोलने से कुछ नहीं होने वाला भाई, हमारी सुनाई नहीं हुई, हम जद गूंज रहे हैं। जब तक कोरोना की जाँच नहीं करवाएगा बात खत्म। जी भैया, तो यहाँ पर जो है अभी कोरोना टेस्ट, कोरोना टेस्ट हुआ इनका, क्या क्या रिपोर्ट है इसकी भाई साहब? कृष्णा देवी की नेगेटिव है, इसकी रिपोर्ट चाहिए थी भाई साहब। ये ट्रामा सेंटर में रहे हैं, आपने मरीज ने लेकर ये कह रहे भाई महाराज जब तक कोरोना टेस्ट नहीं होगा ये एडमिट नहीं करते। अच्छा, हाँ तो ये मीडिया आ रही भाई साहब, इस टाइम लाइव चल रहा है आपका, लाइव चल रहा, मतलब यो रिपोर्ट चाहिए थी ना कोरोना की? एडमिट नहीं कर रहे हैं भाई, टांग टूट रही, खून की कमी है, 5 ग्राम खून बता रहे। अच्छा, तो ये ट्रामा सेंटर वाले कह रहे कि कोरोना की रिपोर्ट चाहिए हमने। अच्छा, तो भाई ये कोरोना की रिपोर्ट आओगी जी एडमिट करेंगे। तो आपने इसका कोरोना का टेस्ट करा क्या कृष्णा देवी का? सवेरे का रखा भाई, 2 हॉस्पिटल में हुआ था, 2 हॉस्पिटल में हुआ था। क्या रिपोर्ट है इसकी? पॉजिटिव में गए थे, दो हॉस्पिटल में थे, दो हॉस्पिटल में, दुआ में थे भाई साहब। रिपोर्ट कहाँ भाई साहब? रिपोर्ट अभी बनाने लग रहे भाई, प्रिंट आउट निकलेगा ये। हाँ, कितनी देर में मिल जाएगी? भूपिंदर जी एक सेकंड नोट करो, भूपिंदर जी। तो यहाँ पर जैसे आपने सुन लिया कि कोरोना टेस्ट तो हो चुका है और यहाँ पर जो है परिवार 2 घंटे से कोई डॉक्टर नहीं आया, 2 घंटे से मैं लगातार यहाँ खड़ा था। हाँ। और ये रोल लग रहे थे यहाँ, मैं अंदर तक लिख दिया पर्ची बनवा के कि कोई एडमिट, कोई यहाँ पेशेंट था मेरे साथ कोई, मैं उसको लेकर था, इमरजेंसी थी उसकी, यहाँ कोई नाइन था न्यूकान आया, कौन है कि नहीं साथ में, मीडियम देख का है तो डॉक्टर है के साथ पूछने की क्या कौन है इसके साथ, आपने खुद देखा और आपके साथ कैसे बोल रहे वो कि क्या बोल रहे पहले वो भाई 8-2 की ड्यूटी है मेरी, क्यों अगर इमरजेंसी में कोई, हाँ अगर कोई इमरजेंसी में पेशेंट आ जाए तो 8-2 की ड्यूटी है के हैं? कोरोना क्या उसका बुखार है, कोई खांसी कोई जुकाम नहीं, क्या है कोरोना की रिपोर्ट ने? अगर ये बहाना आज कोरोना का, आज तो पहले कोई कोरोना का बहाना नहीं था, यहाँ आदमी मर का जावा था आदमी जी, तुम मीडिया देख कर क्यों आए मैं बैर है? अब बैर जवाब दो, मम तुझे बोल नहीं रहे थे, अब आओ स्वयं मारे दो जवाब, ये खड़े जी सुबह 10 बजे की पर्ची का ट्रेन की, इन्होंने बताया आपका क्या है? अब तक कोई मेडिकल नहीं होया इनका, बोलो इसी कौन कहते हैं CMGT, ये हाल है जी CMGT में। अगर दूसरे कोई कसूर हो तो केली एक्शन हो, 10 बजे क्यों नहीं एक्शन होता जी? मेरी माँ मेरे साथ है,
मेरी वाइफ मेरे साथ है, पर्ची कट हुई है, कभी ये आ रहा कभी वो आ रहा है, ये बहाने इनके। सुबह से मतलब क्या परेशानी थी उनको? मैं अपना मेडिकल करा रहा था। अच्छा आप ठीक है। मेरा नाम शमशेर सिंह, गली नंबर 10 करण बिहार के रहने वाला हूँ। कल मेरे साथ कोई हादसा हो गया, उसका कल मैं किसी वजह से नहीं आ पाया, ठीक है, तो आज मेडिकल कराना आया, अब मेडिकल करा के जा रहा हूँ सवेरे का। देखो अब सुबह के मेडिकल के लिए खड़े हैं? हाँ जी। मेडिकल नहीं हुआ आपका, कब से आए हैं? अब हो गया। अब हो गया, कब से आए थे? मैं सुबह कितने बजे पर्ची बनी? 800 रुपए लगे तो हालात देखना एक बार इनके, देखो एक बार जो उठे भी जाता हूँ उनसे तो क्या इनके घर नहीं इंसान है जी? अगर मैं इसी जगह मैं स्टेज होता, ये डॉक्टर अपनी मम्मी लेकर आते तो क्या होता? चलो मैं तो एक आम नागरिक हूँ, लिख रहा था यहाँ से पता लग गया, तो मैं डॉक्टर होता मान लो, अगर ये इनको लेके आते मैं ऐसे जवाब देते तो ये क्या करते जी? मेरी स्टेज भी होते थे, इस चीज का जवाब चाहिए हमने। अब क्यों चले गए अंदर? अब मीडिया ने देखा तो बाहर आ गए थे डॉक्टर। अब मैंने बताया किसी को तो बताया नहीं, ये खड़े जैसे हम बोल लो ये गया था अंदर, 2 घंटे यहीं खड़ा था मैं, मेरा मरीज था वहां, मैं देखने लग रहा था मैं क्यों है, मैं चलो मैं बुलाता हूँ IBN 24 की टीम। तो मतलब यही है कि डंडे का जोर है जी सारा जी जी। वैसे कुछ नहीं है, तनख्वाह फ्री की है। डॉक्टर का पूछना चाहिए था, पूछना चाहिए था, 2 घंटे हो गए हैं, खून चढ़ाना है व्यक्ति को तो खून की कमी नहीं है जी, इतना ब्लड कैंप है यहाँ, यूनिट इतना है, अभी पता कर लो आप। सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से सिविल हॉस्पिटल में खून होगा इस टाइम, प्राइवेट से भी ज्यादा। तो क्या है खून नहीं चढ़ सकता? 5 ग्राम खून है जी, क्या पता घंटे की जिंदगी है, 2 घंटे की है या 2 दिन की है, कुछ भी है। और कितना खून है इनके अंदर अभी? सिर्फ 5 ग्राम है। सिर्फ 5 ग्राम है। तो यहाँ पर जिस तरीके से डॉक्टर हैं आए, इन्होंने बोला 8 से 2 का समय, आपको लगता है यानी 8 से 2 के बाद जो है यानी किसी का जो यहाँ पर खून नहीं चढ़ सकता, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? अब क्या कर बताएं सर, ये तो डॉक्टर के ऊपर के बात नहीं होना चाहिए जी, ऐसा गरीब आदमी है, अगर इसकी अब कोई होगी जी तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसकी डेथ होगी 5 ग्राम खून में, सब बात हुई है, कोरोना का टेस्ट उनका हो चुका है, तो ऐसा है हमें कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई गई, हम पिछले एक इस दिन की रिपोर्ट मांग रहे हैं। आपका चलो मैं आपकी जो पोस्ट है वो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो आप देखिए, उनकी उम्र जो है क्या है और उसके अंदर तो आपको पूछना चाहिए था कि मेरे को इसकी है, बाकी मरीज का भी देखना, इसी जैसे और भी मरीज पड़े मैं इनको पढ़ा दूंगा उनके बीच में, और माइंड वो सारे फैक्टर नहीं होंगे वो भी दफा। अगर ये 1 मिनट हमें रिपोर्ट दिखा दिया करवा के दिखाते तो क्या हो जाएगा? अभी तक हमारे को हमें रिपोर्ट दिखाते थे, हमें क्या दिक्कत है? रिपोर्ट अभी तक तो नहीं दिखाई इन्होंने। लेकिन मैं तो चलो मैं बात सिर्फ यहीं आती है, आपने बोला कि 8 से 2 का समय है, अब बज गए 4, तो यानी कि 4 बजे के बाद या तो आप एक बात कह सकते हैं कि कोरोना की परेशानी थी 8 से 2 के समय की है। ये मैं बताता हूँ जी, हमारे एक्सरे 2 बजे तक होते हैं, 2 बजे के बाद कल्पना चावला में होते, जो भी इसको चीज है एक्सरे उसका कल्पना में होगा, इलाज भी कल्पना होगा, रेफर भी कल्पना चावला ही है, इसमें तो क्या कसूर है बताइए? अगर रेफर हुआ है इसका मतलब यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ कह सकती है एक्सरे, यहाँ गए उन्होंने तमाम, आप मेरे पास आओ मैं सरकारी लेटर दिखाता हूँ, 3 बजे के बाद वहाँ होते हैं, इसे बंद करो, लेटर पड़ा मेरे पास सरकारी टेबल, लेटर कोई बात, हम लाइव टेबल पे लेटर है, हम लाइव पैसे कैसे करते हैं, मैं टेबल पे कह रहा हूं, हम लाइव दिखा देंगे ना, दुनिया देख रही है, लाइव को छोड़ो हम दुनिया हमें नहीं देखना, आप मेरे साथ लड़ क्यों रहे हो? बाई द वे लड़ नहीं रहे, आपकी बात ही रख रहे हैं, मेरी बात रखने के, मैं तो सिर्फ कोरोना की जाँच मांग रहा हूँ, वहाँ जाके कोरोना की जांच करवा लो, एक्सरे भी हो जाएगा, फरार हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या प्रॉब्लम है? कोरोना की रिपोर्ट दिखा दें तो हो जाएगा, फिर एक्सरे क्यों पंगा पड़ेगा, हम तो रख लेंगे, कोरोना दिखाओ रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट वो कह रहे रिपोर्ट अभी आ जाएगी, आ जाएगी तो 2 घंटे से क्यों नहीं अभी तक? देखिए एक्सरे प्राइवेट है, ये प्राइवेट एक्सरे हैं, प्राइवेट से ये उठ के आए हैं, इनके पास आयुष्मान भी है, और ये कल्पना चावला वहाँ से रेफर किए गए हैं, उनको भी पता कल्पना में ही होता है 2 बजे के बाद, फिर इनको क्या दिक्कत है मेरे साथ क्यों लड़ाई बजा रहे हैं बिना बात के, और आप भी मेरे साथ क्यों लड़ाई बजा रहे हो? ये बात आप कल्पना वाले से भी जाकर पूछो, कल्पना चावला भी गए और वहाँ पर कल्पना चावला में क्या हुआ है? क्या हुआ है कल्पना चावला में? ये बोला भाई यहाँ पे कोरोना वाले बहुत ज्यादा है, वहीं जाओ, हम बोले 2 घंटे से खड़े यार, इसने बुलाई है, ये सिर्फ यहाँ सिर्फ इसलिए घूम रहा है, इसने मीडिया बुलाया, किसने? तूने, मैंने बुलाया, मैं कान लग रहा हूं, तो क्या गड़बड़ इसमें, क्या गलत है मीडिया बुला दिया तो क्या गलत, इसमें गलत क्या है फिर, क्या गलत है डॉक्टर साहब? मेरे तो इस बात का जवाब दो, क्या गलत है, कौन लड़ रहा? अगर कोई भी रैफर, 1 मिनट पर्ची दिखाइयो, कोई भी रैफर हो, मैं 1 मिनट अनपढ़ नियम
कोई भी किसी हॉस्पिटल तक कोई भी रेफर करे ना तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ही करा। अगर कल्पना चावला में ले होगा तो फिर ये किस खतर बन रहा है जी? ये मेरे तो इस चीज का जवाब दो। ये तो कह रहे कि हम लेते नहीं, क्यों नहीं लेते? केस मानिया अभी, अच्छा अभी क्या क्या रिकॉर्ड हुई इनकी कि हमारे पास ग्लव्स नहीं है, कोई किट नहीं है? तो मेरे तक किस चीज का कह रहे? मीडिया बुलाऊंगा, मेरे में इंसानियत है, मैं मेरे को दूसरे मरीज भी देख रहे। मैं इसी बात लड़ने के लिए आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? अंदर सीरियस मरीज पड़े हैं, अंदर कुछ मरीज पड़े हैं, क्या मैं इसी मरीज के लिए आपसे लड़ते रहूं? कितने घंटे और लड़ोगे आप मेरे साथ मुझे बताया जाए? आप मुझे कितनी देर आप मरीज नहीं देखने देंगे? डॉक्टर साहब की यहाँ आप इसकी कोरोना की जांच करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? कोरोना यहाँ पर हो चुकी है, रिपोर्ट हो रही है, तो दिखाओ ना रिपोर्ट आएगी, होंगे यहाँ पे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे कोरोना की रिपोर्ट। पहले आपने 8-2 का समय क्यों बोल दिया? 8-2 का तो समय है ही। अच्छा, बिल्कुल 8-2 का ही समय है हमारा। तो फिर उस समय आपने बात क्यों नहीं बोली? किस समय बोली इनको? बोली क्यों नहीं बोली हमने? क्या सब झूठा? कोई नहीं बोला हमारी गाल में बिल्कुल भी। आइए मेरे सामने। हाँ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जब लड़के को भी आप ये बात लिखती में दिखा सकते हैं? 8-2 का समय है, कुछ है ऐसा कोई आपके पास कोई ब्यौरा बताइए? तो आपको दिखता है सारा बंद पड़ा है, सब ताले लगे पड़े हैं, कोई कमरा खुला है? अरे मेरे से एडमिनिस्ट्रेशन ने बाहर लिखा हुआ है, देख लो बाहर, और ये सारा बंद भी पड़ा हॉस्पिटल। जब अब ये रिपोर्ट दिखाएंगे तो हो जाएंगे? दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, रिपोर्ट हम बिल्कुल लेंगे, रिपोर्ट लिखाओ हम बिल्कुल लेंगे, हमारा काम ही लेने का है, काम ही हमारा सेवा का, दिखाओ रिपोर्ट। लेकिन हम इसके लिए बाकी मरीज को थोड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। छोड़ हमें रिपोर्ट दिखा दो, हम इसके लिए और भी मरीज है, रिपोर्ट दिखा दो हम एकदम ले लेंगे, नहीं तो करवा लो, नहीं करवाइए तो इतने तो कह रहे भाई नहीं है तो करवा लो, नहीं तो दिखा दो हमें, बस इतनी बात है। नहीं आने लग रही रिपोर्ट तो नू थोड़ी है के भाई अब करोने में हमारे बालक बच्चे नहीं, हम इंसान है। अरे मैं बताऊं ना, अब देखो अब कैसे मैं क्या कह रहा मैंने कह रहा तेरे मीडिया वाला तो बला दे, क्या जुलम है कोई है? यहाँ पर आपने देख लिया, ये सारा पहले आपको दिखा रहे थे कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि कैसे तमाशा लगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि मीडिया को बुलाया, ये डॉक्टर को परेशानी है कि मीडिया को क्यों बुलाया, यानी कि मीडिया किस लिए होता है? जनता के लिए। मीडिया की परेशानी कौन दिखाएगी? मीडिया दिखाएगा जनता की परेशानी, कौन? अगर मीडिया नहीं होगा तो कौन सुनेगा? मीडिया आया तो डॉक्टर साहब बाहर आ गए, मीडिया नहीं था तो डॉक्टर साहब अंदर थे। तो ये जो चीज़ है ये हर बार देखी जाती है। इसके इसमें आपको बता दें कि साथ में जो लेबर रूम है वहाँ पर भी यही चलता है। पिछले दिनों हम करने आए थे वहाँ पर कवरेज, तो वहाँ पर जो है महिला तड़प रही थी और वो यहाँ आई हुई है और उसको उन्होंने बोल दिया कि इसकी डिलीवरी वहाँ नहीं हो सकती है। रात को 9:30 आती है, सुबह उसको 9:30 बाहर निकाल दिया जाता है कि डिलीवरी यहाँ नहीं हो सकती है। उस व्यक्ति के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो एक गाड़ी करके उस महिला की डिलीवरी कहीं और करवाए, उसे कहा कुरुक्षेत्र चले जाओ। तो ऐसी चीज़ें ये एक बार नहीं कई बार देखने को मिली हैं। और परिवार यहाँ 2 घंटे से ये गाड़ी खड़ी है, 2 घंटे से यहाँ पर है, और अब जो है यहाँ पर आके ये जो शख्स है इनका कोई रिश्तेदारी नहीं है, ये यहाँ खड़े थे और इन्होंने यहाँ पर जो है फ़ोन किया हमें कि यहाँ पर जो 2 महिलाएं हैं बहुत परेशान हो रही हैं और अब जो डॉक्टर साहब हैं वो इन्हीं पर चढ़ रहे हैं कि ये मीडिया को बुलाकर क्या हीरो बनना चाहते हैं। हाँ, ऐसा ही हुआ? नहीं नहीं, हाँ ऐसे ही बोला डॉक्टर ने, लाइव है जी बिल्कुल। तो डॉक्टर ऐसा काम ही ना करे कि हमने मीडिया बुलाने की जरूरत पड़े, हमने बोलने की जरूरत पड़े डॉक्टर को। तो डॉक्टर मारता ये दिखा रहा, एक मिनट दिखाइए रिपोर्ट डॉक्टर, डॉक्टर ये दिखा रहा जी कि कल्पना चावला में ट्रांसफर रेफर करा, क्यों अनपढ़ है जी? किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, अमृतधारा में चले जाओ, अदरवाइज किसी में, मैं किसी का नाम नहीं लेता, अगर किसी में पैसे नहीं है तो वो कल्पना चावला में ही करेगा, लिखा जाएगा। दिखाओ इसकी कोई एडिंग है यहाँ कि वो लिख के देगा कि ट्रामा सेंटर में भाई रेफर कर दो, है कोई यहाँ की एडिंग जी? कल्पना चावला ही आएगा ना, तो शुरू से ही नाम बसदा है कल्पना चावला। तो डॉक्टर तो वो बात करे जो सिरे लगे बात जी। तो ये बात नहीं करनी चाहिए कि मीडिया बुला दिया, यू तो इसी काम पर क्यों ठाल लूं भाई मैं, मेरे पर कोई काम नहीं। तो वो तो 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने लग रहा है, किस चीज़ के लेने लग रहा है? और ऊपर तक कह रहे भाई लड़न लग रहे, कितनी देर और लड़ोगे? जितनी देर तो लड़ावेगा उतनी देर लड़ेंगे, तो नहीं दाखिल कर हम और लड़का दिखाएंगे तने। हाँ यही बात तो मीडिया का सारा लिया जी। तो यहाँ रिपोर्ट जो है अब वो आ रही है, बस वो कर 5 मिनट में भेजने लग रहा। यहाँ पर बात सिर्फ यही है, मैं भी जब तक घर नहीं जाऊँगा जब तक ये एडमिट नहीं होंगे जी, ठीक है? मैं भी करोंडा से हूँ, कोई मेरे भी यहाँ पेशेंट है, मैं यहाँ काम आया था। तो वो बोल रहे भाई, जब मैंने उनका फ़ोन भी आया, मैं जब तक नहीं आता जब तक एडमिट नहीं होते। गरीब इंसान के साथ ना इंसाफ ही नहीं होनी चाहिए जी,
तो यहाँ पर आपने देखा कि ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी और की परेशानी को अपनी परेशानी समझते हैं, और इन्होंने ही हमें फ़ोन करके बुलाया यहाँ पर, और ये भी जो है अस्पताल में आए हुए हैं, इनका इनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। और यहाँ पर जो है अब कोरोना की रिपोर्ट को लेकर यहाँ डॉक्टर ने बहाना बना दिया। कल्पना चावला में गए तो कल्पना चावला ने बोल दिया कि यहाँ पर तो कोरोना के बहुत सारे, क्योंकि कल्पना चावला में रेफर किया गया, डॉक्टर अरविंद थे जिनका जो नाम था, उन्होंने ये बात बोली कि भाई मीडिया को बुला दिया। तो क्या मतलब क्या जी, ये डॉक्टर अरविंद थे? हाँ, ये कोरोना की रिपोर्ट ही आ गई, दिखाइए भाई साहब जी, ये देखो जी कोरोना की रिपोर्ट, कृष्णा देवी नेगेटिव। तो ये रिपोर्ट देख लीजिए, यहाँ पर कृष्णा देवी और यहाँ पर नेगेटिव जो है रिपोर्ट इसमें आई है, आप देख सकते हैं साफ तौर पे। और इस सरकार में कह रहे जी कि कोरोना फ्री टेस्ट होगा जी, ये तो बात मानते हैं आप भी, सारी दुनिया में हाहाकार मच रही है। तो ये टेस्ट 800 रुपए में करवा रखे जी इस गरीब आदमी ने, इसकी दिहाड़ी कितनी होगी? 300 रुपए दिहाड़ी होगी जी, बस 600 में, चलो 600 में करवाया जी। तो वैसे कोरोना कितने का टेस्ट होगा जी? फ्री में। और सिविल एक बात बताओ, ये कह रहे कि हम बिना कोरोना की रिपोर्ट के एडमिट नहीं करेंगे, सरकार ने क्या वो दे रखे है? कोई इमरजेंसी हो तो दाखिल कर लो, प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको भी पता होगा कोरोना नेगेटिव है या पॉजिटिव, 5 ग्राम खून है, 5 ग्राम खून है, अगर वो कुछ भी हो जाए उसका कौन जवाबदेही होगा? उस डॉक्टर ने तो रेफर कर दिया, इसका जवाबदेही डॉक्टर होगा कि नहीं होगा जो मौके की ड्यूटी? 8 से 2 की बात बताई जी, क्यों तू 8 से 2 की तनख्वाह ले ले फिर? वो कह रहे ताले लग रहे, ताले तो आपको भी मारते भाई, ताले को क्या बड़ी बात है, 60 रुपए का ताला लेगा मार दे, ताले का क्या दिखाओ मारता, कोई लिखित में दिखाओ भाई 8 से 2 की ड्यूटी है हमारी, तो उसके बाद यहाँ भी ताला मारो, यहाँ आके खोल रखे फिर आप क्यों बैठे हैं? आप भी जाओ फिर घर, मरीज नंबर ने दो, इस बात का जवाब दे सरकार ने भी कुछ देखना चाहिए जी। भाई शुरू में दिखाया भाई सस्पेंड कर दिए, कुछ कर दिए, अब भी दिखाओ ना करके। अपना शुभ नाम? मेरा नाम राहुल ग्रोंड है। राहुल, तो यहाँ पर जो राहुल जी हैं उन्होंने यहाँ पर आप देख लीजिए जो परिवार है 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था, बात यही है कि कोरोना की जो रिपोर्ट तब तक नहीं आएगी, चाहे व्यक्ति की यहाँ जान चली जाए, यहाँ पर जो है बाहर खड़ा रहेगा, उसकी मौत हो जाए। और यहाँ पर जो है अब परिवार की जो रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है, और अब वो और दे कि कोरोना की रिपोर्ट के बाद हम एडमिट कर लेंगे। हाँ, अब आपके सामने उसने क्या बोला, हमारे पास किट नहीं है, किट नहीं, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे किट नहीं है तो जहाँ इन्होंने 800 रुपये का टेस्ट करवाया जी, वहाँ 60 रुपये किट भी मंगवा लो, 60 रुपए की आ जाएगी, 100 रुपए की आ जाएगी, वो किट भी मंगवा लो। कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पीछे, जिम्मेदारी से बिल्कुल हट रहे जी, दिख ही रहा कोई ना कोई बहाना चाहिए। बिल्कुल है जी, और देखो लड़ने कह रहे कि मेरे साथ कितनी देर और लड़ोगे भाई, जितनी देर तक हम लड़ाओगे हमारे में सहन शक्ति, हम लड़ेंगे अपने दम पर लड़ेंगे, हम कोई गुंडागर्दी नहीं करते, हम कोई बिल्कुल इंसानियत के तरीके से हम बात कर लग रहे, कोई गलत बोले किसी दाओ बताओ या डॉक्टर से कोई फालतू बात करिए, हम तो बुलाने गए अंदर डॉक्टर ने, मीडिया देख का डॉक्टर बाहर आया, आप भी यहीं खड़े थे इतनी देर के, तो 2 घंटे था भाई साहब मैं वहाँ खड़ा था, मैंने देखा ये रोन लग रहे, मैं अंदर कोई काम चला गया, मैं आंटी क्या बात होगी ऐसा, ये बोले बेटे ऐसे ऐसे करके बात होगी कि हमारे टांग टूट रही भाई, 5 ग्राम खून है उसमें, मैं कहा चलो क्या पता डायरेक्ट एडमिट करने आए हो, तो ये बोले उन्होंने रेफर करा गया 2 हॉस्पिटल वालों ने, तो 2 हॉस्पिटल वालों को भी तो ये होगा भाई ये कोरोना नेगेटिव है या पॉजिटिव है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी तो हॉस्पिटल है, उसमें क्या मरीज नहीं जानते, कि उसमें कोई जानवर जावा है, इंसान ही जानते होंगे उसमें भी, तो सरकारी से ज़्यादा तो प्राइवेट को खतरा है जी, जिसमें 2000 डेली जाते होंगे कम से कम, देखो वीर को हॉस्पिटल है इतना बड़ा है, अमृतधारा है भाई, दुआ है भाई, रोहित कटवालिया भी है, इतने हॉस्पिटल है, तो उसमें भी तो मरीज जानते होंगे जी, कोई जरूरी है क्या ये कोरोना का ही बहाना? आज से पहले ये कल परसों की मैं खबर देख रहा था जी आपकी, भाई कुरुक्षेत्र से जो ट्रांसफर वाली बात थी वो देख लो आप कैसे हमी थी, उसमें कौन सा कोरोना का चाहिए था? तो आज से मान लो आज कोरोना है, चलो मान लिया चलो कोरोना है कोई बात नहीं है, तो किसी की बस की बात नहीं है, 1 साल पहले 1.5 साल पहले एक एक्सीडेंट होया था जी किसी का, उस टाइम तो कोई कोरोना नहीं था, बंदा 4 घंटे तड़प दे रहा जी बाहर, एडमिट नहीं करा, बताओ जी अब तो डॉक्टर भी नो कह रहे हैं मेरे साथ लड़ने आ रहे, कौन जा रहा है जी लड़न, कोई दिखा CCTV लग रहे हैं, कोई तेरा गला पकड़न गया हो या तेरे तक कोई उल्टा बोल रहा हो वो बता, या तेरे तक इन्होंने उल्टा बोल रहा हो, बाहर आ गया अगले रोल लग गए जी, मैंने इनका साथ दे दिया क्या बुरा हो गया, तो अब कर रहे हैं एडमिट कर रहे हैं? हाँ जी अब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं हाँ जी। और पहले कितने देर हो गया आपको? 2 घंटे से ज्यादा हो गया, 2 घंटे से ज्यादा 3 घंटे सारे हो रहे हैं। डॉक्टर तब आया बार? डॉक्टर एक बार आया था, मेरा भाई गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया डॉक्टर ने, अंदर जवाब नहीं दिया, नहीं बिल्कुल नहीं दिया, वो भी बाहर आया कोरोना लगा रहा मैं भी। आपने आके बोल दिया था कि कोरोना टेस्ट हो चुका है? हाँ जी बोल दिया, हाँ बोल दिया था, फिर भी नहीं मान रहे थे यहाँ पर आप, वो तो अभी भी उन पटान बोल रहा है, अगर आप गरीब आदमी हो बड़े अफसरों से पंगा नहीं लेता लेकर,
यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरीके से यहाँ पर जो डॉक्टर हैं अगर वही ऐसी भाषा बोलने लग जाएं, आईबीएन की टीम पहुँची, आईबीएन की टीम को ये कहा जाए कि आप हमसे लड़ रहे हैं जबकि हम इनके अधिकार की बात कर रहे हैं और ये व्यक्ति हैं, इनका इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ये यहाँ पर उनके अधिकारों के लिए खड़े थे कि उनका यहाँ पर जो है एडमिट हो जाएं। और यहाँ पर डॉक्टर ने आकर पहले हमें इसकी ये बोल बताया कि 8 से 2 का समय है इसलिए नहीं हो सकता, फिर बाद में बोला कि कोरोना की रिपोर्ट जो है तब आएगी। कोई भाई साहब सोच क्या तो बुलाई नहीं हमने, ये हम घूमने आंदे हैं यहाँ, कोई काम आया देख लिया तो इंसानियत है किस चीज़ के नाम की इंसानियत। अगर ये डॉक्टर मेरी जगह होता तो क्या करता जी, मैं तो ये पूछूंगा। वो तो कह रहे भाई मेरे साथ लड़ने आ रहे, क्या लड़े, यहाँ CCTV लग रहे, कोई किसी का उल्टा बोल रहा हो, हम तो जाकर मिले भी नहीं। मना नूक है आके बस तो बोल लेना के बरा तेरे में भी के बीमारी है, अफसरों से पंगा नहीं लिया करते, बताइयो तमीज है बोलने की डॉक्टर की। डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर ने बोला है यो तमीज बोलन किसकी, ये अभी अभी बोला है। हाँ ये भी बोल रहा है जो अफसर नागरिक का पंगा लेवा तो उसका क्या अर्थ होगा जी, ये तो गरीब आदमी। यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरीके से, कौन सा गांव बताया आपने, फरीदपुर। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर ये अब अस्पताल में अभी भी आए हैं और अभी दौड़ते हुए फिर आए, जिस तरीके से डॉक्टर की भाषा जो है आपने देखी, डॉक्टर अरविंद यहाँ पर जो है नाम बताया। और फिलहाल जो है आप ट्रामा सेंटर से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक परिवार आया था और जो महिला है उनकी जो उम्र है बहुत ज़्यादा है और 5 ग्राम उनमें खून रह गया और 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं और इनको जो है पहले एक प्राइवेट अस्पताल से जो है रेफ़र करके कि जो ब्लड है यहाँ पर चढ़वा लीजिए, और यहाँ पर ब्लड चढ़वाने के लिए आते हैं तो कह रहे हैं हम इनको एडमिट नहीं करेंगे और पहले और 2 घंटे से जो है वो यहाँ इंतज़ार कर रहे थे, कोरोना रिपोर्ट मांग रहे थे और 5 ग्राम उस जो है आपको बता दें महिला उम्र लगभग 60 वर्ष से भी ज्यादा लग रही है और यहां पर अब उनकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट आने के बाद भी और उससे पहले बीच में जब हम कवरेज कर रहे थे उस दौरान भी जो डॉक्टर है अरविंद उनका बातचीत करने का सलीका आपने देखा किस तरीके से, यानी इतना एग्रेसिव यानी इतना ज़्यादा जोश में बात कर रहे थे कि जिस तरीके से हम कवरेज ना कर रहे हो, इनके अधिकार की बात ना कर रहे हो, बल्कि पता नहीं हमने उनसे क्या ऐसा मांग लिया जो वो दे नहीं सकते। यानी यहाँ पर जो है अनुरोध है जी कि जी आज से 2 का इलाज करवाएं, बस इसके बाद हॉस्पिटल में ना आए क्योंकि डॉक्टर यहाँ बैठते नहीं, ताले लग जाए जी, सिर्फ 8 से 2 आए और अपना इलाज करवाएं, ये डॉक्टरों की लैंग्वेज है यहाँ की। और बाकी आपने कवरेज में सुनी लिया भाई कैसे बोल रहे थे और आप कवरेज करने से पहले भी आपने सुन लिया कि मीडिया का तो यही काम है कि मीडिया खाली है जी है? तो यहाँ पर 8 से 2 का समय इन्होंने बोला, यहाँ तो लिखती में लगा हुआ 8 से 2 का समय है, यानी अगर आप 2 बजे के बाद आएँ तो अब भूल जाइए कि आपको यहाँ पर एडमिट करेंगे, आपको खून जो है मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन आपको बता दें कि ब्लड बैंक में भी बात हुई, वहाँ पर उन्होंने बताया खून की कोई कमी नहीं है, करनाल में बार बार जो कैंप हैं वो लगते रहते हैं, खून जो है यहाँ पर IBN की जो है तरफ से भी कितनी बार कैंप यहाँ पर लगाया, उसके अलावा और भी बहुत सारी संस्थाओं ने कैंप लगाया, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो है उनको एडमिट कर लिया गया है, यानी कि जब भी कोई एडमिट नहीं होता है। और उसके अलावा और भी लोग थे सुबह से इंतज़ार करें 12 बजे से 4-4, 5-5 घंटे के इंतज़ार के बाद यहाँ पर उनको व्यक्तियों को खड़ा होने के बाद उनको इलाज मिलता है। किसी को अपना यहाँ पर मेडिकल करवाना था और मेडिकल के लिए वो 4 घंटे तक यहाँ पर, यानी सुबह 10 बजे से आया बता रहा, तो इस तरीके से उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। और ये पहला जो है मामला नहीं है, ऐसे रोज़ के सैकड़ों मामले जो हैं आप सिविल अस्पताल में भी देख सकते हैं, ट्रामा सेंटर में, और इसके अलावा आप कल्पना चावला में भी इस तरह के सारे मामले देख सकते हैं। तो फिलहाल जो है IBN 24 पे आपको ट्रामा सेंटर से लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे जहाँ पर एक परिवार खड़ा था जो इंतज़ार करते हुए कि उनके जो परिवार के सदस्य उनको खून चढ़वाना था, लेकिन फ़िलहाल जो है IBN की टीम पहुंची है और अब जाके जो है यहां पर जो डॉक्टर हैं उन्होंने एडमिट कर लिया। और फिलहाल जो है यही उम्मीद करते हैं कि जो अस्पताल है उसमें कोई सुधार हो जाए, लेकिन होता नहीं है, हर बार आके कवरेज करनी पड़ती है फिर जाके इंसान को जो है एडमिट किया जाता है, उसे इलाज जो है उसका किया जाता है। तो फिर से जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर, तब तक के लिए जाएंगे।